हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी दुआ करिए मेरे लिए कि मैं भी अच्छी रहूं, क्योंकि मैंने ले ली है वैक्सीन और अब है मेरी बारी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इसलिए डर नहीं लगा क्योंकि वैक्सीन लगाना है, बल्कि इसलिए डर लगा क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सबसे बड़ी बात, पहले तो मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जो वैक्सीन लगवा के आए तब से उनकी बॉडी जो है वो सनसना रही है, तो उनको देख के मुझे सोचा। तो आप लोग उनके व्लॉग में जाके जरूर देखिएगा कि कितने मुश्किल से मैंने उनको आज उठाया, क्योंकि वैसे इतना मुश्किल नहीं होता उनको उठाना। अब पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, लेकिन अब क्या है कि खुद एक बार उठाने से उठ जाते हैं। लेकिन जब कल वैक्सीन लगा के आया ना, तो उनका पता नहीं रात से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे, और सुबह उठने में बहुत परेशान किए मुझे। और अभी मैं थोड़ा सा पीपल के प्लांट का मिट्टी को सही कर रही हूँ। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखे थे कि जब कोई वैक्सीन लगा के आता है तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, किसी को हाई फीवर हो जाता है, पता नहीं किसी को क्या क्या होता है। बहुत सारे र्यूमर्स भी है मार्केट में, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी आप लोग भी जाके वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सेफ्टी के लिए। अब अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करिए, अपनी सेफ्टी खुद करिए और जाके वैक्सीन लगा के आइए। चाहे मेरी तरह आपको डर कितना ही क्यों लग रहा हो, फिर भी जाइए। ये है मेरा फेवरेट पीस लिली का प्लांट, और प्लांट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, इसलिए हमें प्लांट की हमेशा केयर करनी चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप केयर करेंगे तो वो भी आपका केयर ज़रूर करेंगे। और जब भी ऐसा आपको भी लगता होगा कि जब आप बैठते हैं प्लांट के पास, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस आ जाता है अपने अंदर भी, एक बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा महसूस होता है। और अब बस हम लोग निकल रहे हैं वैक्सीन के लिए। ना तो 11 बजे था, लेकिन बज गए 12, और लेट उन्होंने ही करवाया मुझे, काफ़ी लेट हो गया। तो आप लोगों से मैं सीधा मिलती हूँ वहाँ पे जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, और यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं। और वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड का जेरोक्स मैंने ले लिया है यहाँ पे। हम लोग जाएंगे वैक्सीनेशन कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन कराना होता है आधार कार्ड का, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। आप दोनों पति पत्नी मछली मत खा रहे हैं, उसका वीडियो देखे। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं जो कि हमारा वीडियो देखते हैं। मछली भात वाला इन्होंने देखा, इनको बहुत अच्छा लगा। चलिए इधर। वहाँ पे सब लोग वाकई में बहुत अच्छे, काफ़ी कोऑपरेटिव है यहाँ के लोग, तो बिल्कुल भी आने से मत घबराइए वैक्सीनेशन के लिए, बिल्कुल आप लोग भी ज़रूर आइए। मुझे तो आने से पहले काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कोविशील्ड हो गया फाइनली मैंने ले लिया यहाँ पे वैक्सीनेशन, और आप लोग खुद ही उन लोग से सुन लीजिए कि क्या प्रोटेक्शन मिलेगा आप लोग अगर आप लोग भी लेते हैं आके। हाफ एन आवर आपको ऑब्जर्वेशन में रहना है, आधा घंटा तक, आधा घंटा तक, उसके बाद फिर अगर आप घर जाती हैं तो अब सबका सारा काम कर सकती है, जो काम है आपका नहाना धोना खाना पीना सारा कुछ कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दूसरे लोग रोक रहे हैं, ठीक है ना? ये आपका वैक्सीनेशन है ना कि ऑपरेशन है। अभी इनका भी वैक्सीनेशन हो चुका है, और कैसा फील हो रहा है बताओ ज़रा? मतलब जिस तरह का मैंने सोच रखा था, जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से आके यहाँ पर वैक्सीनेशन ले सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है, आपने जब इतने अच्छे से ले लिए तो आई थिंक आप लोग भी ले सकते हो। बिल्कुल, ऐसा कोई टेंशन नहीं, आप लोग उनके द्वारा तो सुन ही चुके हो उन्होंने क्या बोला है। तो भाई ज़रूर आइए, वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को सेफ रखिए। वैक्सीनेशन हो गया मेरा, और पहला जो डोज है वो मुझे पड़ चुका है, और जो सेकेंड डोज है वो पड़ेगा 84 डेज के बाद।
तो बस अभी निकलते हैं घर के लिए, फटाफट हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। वैक्सीनेशन लेने के बाद थोड़ा सा तबीयत में कुछ बदलाव तो लगा था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मौसम काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छा मौसम होगा, काफ़ी खूबसूरत लग रही है नदी जो आप पीछे देख सकते हैं। कुछ नहीं है जैसा हम सोचते हैं वैक्सीन को लेकर कि पता नहीं क्या होगा लेने के बाद, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल शाम का वक्त हो रहा है, मैंने आज खाना बहुत जल्दी बना लिया है, मेरा खाना वाना सब बन चुका है। वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा सा अब मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बॉडी वगैरह पेन हो रहा है, तो हम आप लोग से थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और कल जब मैं चली गई थी रेस्ट करने के लिए, उसके बाद फिर मुझसे उठा ही नहीं गया। काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे इंजेक्शन इस साइड में जहाँ पे लगा था ना, वहाँ पे पेन होना पता नहीं क्यों अचानक से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ। बढ़ते बढ़ते वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ऐसा लग रहा है कि अब ये हाथ जो है वो काम ही नहीं कर रहा है। और अब पता नहीं क्यों फीवर जैसा भी फील हो रहा है और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया है। अभी चाय बना रही थी मैं, लेकिन आज मेरा चाय पीने का भी हिम्मत नहीं हुआ और मैं चली गई सोने के लिए। तो मैं एक डेढ़ घंटे बाद सो के उठी, तो फिर मैंने सोचा कि नाश्ता वास्ता करने के बाद मैंने सोचा कि चलो एडिट करते हैं, जो कि पता नहीं फिर मेरा तबीयत कैसा रहा, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि ठीक रहने वाला, क्योंकि पेन जो है वो एक्सेस बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ एडिट करने के लिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो फाइनली अभी नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ा सा भी मुझे ठीक लग रहा है, और लेकिन सर में जो दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। कोशिश कर रही हूँ कि मैं एडिट कर सकूँ, पता नहीं क्यों आज ये सिस्टम भी बहुत ज़्यादा रुक रुक के चल रही है। पता नहीं कैसे कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेट्स सी। मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आज एडिट कर सकूँ, क्योंकि कल व्लॉग भी नहीं आया था, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं लगता कि मैं एडिट कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पेन बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है, की वजह से ऐसा लग रहा है कि पूरा इस साइड का पूरा ही पेन स्टार्ट हो गया है और अंदर से फीवर जैसा भी लग रहा है, और सर में तो इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं अभी तो नहीं कर पाऊँगी और मैं जा रही हूँ, अभी मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ। अभी मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। फिर सो गई थी और पेन लगता है कि अभी भी वैसा ही है, बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है वो। और दवा आप ले नहीं सकते इसमें, सिर्फ अगर आप दवा तभी ले सकते हो जब आपको ज़्यादा फीवर आए, और आप इसमें सिर्फ पैरासीटामोल ही ले सकते हो जब आपको फीवर आएगा, उसके अलावा आप कोई भी और दवा नहीं ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। वैसे जब मैं कल आई थी वैक्सीन लेके, उसके बाद जैसा कि मैम ने कहा था कि अभी आप जाइए घर जाके आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ था। मैंने सब कुछ अपने रूटीन वाइज जैसा मैं हमेशा करती हूँ, खाना वाना चीज़ हर चीज़ मैंने अपना आराम से कर लिया। मुझे हल्का सा पेन होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर भी मैं उसी में उसको इग्नोर करके मैं कर रही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरा मतलब सर में पेन होना स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे बॉडी पेन होने लगा, और उसके बाद ऐसा लगा मुझे कि शायद अब तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने वाली है। उसके बाद जब मैं रेस्ट करने चली गई, तो फिर रात को खाना वाना खाने का भी कुछ भी मन नहीं किया, वैसे ही सो गई। और जब सुबह उठी तो पेन डबल हो गया था, ऐसा लग रहा था कि वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। और उसके बाद फिर मैं जब एडिटिंग करने के लिए बैठी तो भी मैं नहीं कर पाई, अभी सो के उठ रही हूँ, उसके बाद भी फिर भी ऐसा लग रहा कि नहीं पेन वैसे का ही वैसा है, कुछ कम नहीं हो पा रहा है। और अभी फिर से कोशिश में लगी हूँ कि मैं फिर से एडिट कर पाऊँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आज वीडियो ज़रूर अपलोड होगा, क्योंकि मैंने उनको बोला कि आप मेरी थोड़ी से हेल्प कर दीजिए आज, जिससे नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने आधी मेरी वीडियो को एडिट किया और आधा मैंने किया और आधा उन्होंने किया, उन्होंने मेरी हेल्प की, क्योंकि वो इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं तो उनको पता है कि कितना पेन होता है। सबसे ज़्यादा तो पेन होता है जहाँ पर आप इंजेक्शन लेते हो, उस जगह में इतना ज़्यादा पेन होता है ना, आप टच नहीं कर सकते हो वहाँ पर। पर मेरी बातों से आप घबराइए बिल्कुल भी मत, ये थोड़ा बहुत तो हो गई, अगर आप वैक्सीन लोगे तो इस तरह का असर तो होना ही है आपकी बॉडी में। थोड़ा बहुत बॉडी पेन होगा, वो उन लोगों ने कहा था पहले से ही कि बॉडी पेन होगा, फीवर आएगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है हमें, वो ठीक हो जाएगा, एक दो दिन के बाद आराम से अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर से आप ये सोच लो कि नहीं हम नहीं लेंगे वैक्सीन, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये मेरा एक्सपीरियंस था फुल, जो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल वाइज आप लोगों के साथ शेयर किया, वो इसलिए ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा आसान हो जाए कि वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है। तो मेरा यही सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग आराम से जाके वैक्सीन लीजिए, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी लेकिन बिल्कुल मत घबराइए इसके साथ, और
सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। कोरोना वायरस को हमें ही हटाना है, हरा के को जिताना है। जाइए फटाफट से, वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, फटाफट से जाइए और वैक्सीन लीजिए। तब तक मैं इस वीडियो एडिटिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी है। घर में जो भी काम वगैरह चल रहा है उस वजह से उनको भी वक्त नहीं मिल पाता है। और तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब जब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो रही है, मैं एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आई एम ऑल राइट, आई एम फाइन, मैं ठीक हो जाऊँगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। दुआ करिएगा मेरे लिए कि जब मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँ तो बिल्कुल अच्छी होके मिलूँ। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।